अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देख रहे हैं आप लोग कंपनीज कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल कटाकट मसाला। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कटाकट बनाने के लिए हमको चाहिए एक बकरे का लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट। मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज। ये दो टमाटर थे, इनको मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया था। दो हरी मिर्चें, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है लहसुन का पानी। एक कप पानी में एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसको रख दिया था। और ये है तकरीबन हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून टर्मरिक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, दो टेबल स्पून भर के योगर्ट। अब सबसे पहले एक पैन में मैं ये लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट ये सब चीजें मैं डाल दूंगी और इसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा लहसुन का पानी ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। इनमें से जो एक स्मेल सी आती है वो खत्म हो जाए। इसको मैं मिक्स करूंगी और कवर करके मैं इसको थोड़ी देर पकने को छोड़ दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लहसुन का पानी डाल के मैं इसको पकाऊंगी ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क होने लगे थोड़ा सा पानी और डाल दें। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा एक कप लहसुन का पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया था। अब मैं इस वाले स्पून से जो आगे से थोड़ा सा ऐसा होगा इससे मैं इसको जैसे कि वो कटते हैं ना कटाकट में उस तरह से अब मैं इसको करूंगी ताकि ये थोड़ा सा ना ये बिल्कुल छोटे छोटे से इसके पीसेस हो जाए। अच्छा जी, अब मैं इस पे डाल दूंगी ये टमाटर इस तरह से। और ये आधी प्याज और मैं टमाटर इस तरह से करके बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि ये जो टमाटरों के ऊपर की स्किन बाहर आ जाए। बस थोड़ा सा पानी करके अब मैं इसको कवर कर दूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं ये टमाटरों की स्किन उतर चुकी है। अब मैं इसको यहां से उतार के मैं रखूंगी साइड में। ये देखिए आप लोग देख लें इस तरह से करके सारी इसकी स्किन उतर गई है। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इस स्पून से अब मैं इसको इस तरह से मैश करूंगी। इस तरह से करते हैं।
अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सारे मसाले। और एक हरी मिर्च बारीक काट के, चलिए अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज्यादा ऑयल। अभी डालकर ना देखूंगी, अगर बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा और भी डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी योगर्ट, और ये जो बाकी की बची हुई प्याज थी ये, और उसी तरह से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा जी, मुझे इसमें ऑयल थोड़ा ना कम लग रहा है, तो मैं इसमें कुछ ऑयल थोड़ा कम से कम 1/4 कप ऑयल मैं इसमें और डालूंगी। इसमें अभी तक तकरीबन 1/2 कप और 1/4 कप ऑयल अभी तक इसमें ना जा चुका है। जी व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं ये कटाकट बन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें बाद में 1/4 कप ऑयल दोबारा डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ना कुछ रूखा रूखा सा ना लग रहा था इस वजह से। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस पे डाल दूंगी ब्लैक पेपर, जो मैंने मोटी मोटी कूट के रखी थी ये मैं डाल दूंगी। हरी मिर्च एक और बारीक काट के, बस इसको हल्का सा मिक्स करूंगी। और बस अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी दम पे, सिर्फ 2 मिनट के लिए बस। जी व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कटाकट बन के बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।